हाँ तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं, देखिए आप ध्यान से इसको, ये है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हमारे पास एक है आयोडीन सॉल्यूशन। आज आयोडीन सॉल्यूशन और हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप मिलाकर देखने वाले हैं, देखिए किस प्रकार से एक अमेजिंग रिएक्शन होने वाली है। तो फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप ड्रॉपर का यूज करें, यदि आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आपको इस टाइप से ड्रॉपिंग बॉटल होती है उस ड्रॉपिंग बॉटल का यूज करना। तो ड्रॉपिंग बॉटल में सबसे पहले फनल के थ्रू आपको इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का कुछ सॉल्यूशन इसमें ले लेना है। इस तरीके से कुछ ड्रॉप में ले रहा हूं, ओके। हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेने के आफ्टर आपको क्या करना है, इस ड्रॉपिंग बॉटल को याद रखना कि आपको ग्लव्स का यूज जरूर करना है क्योंकि कुछ रिएक्शन डेंजरस भी हो सकती है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉपिंग बॉटल लिए, इस ड्रॉपिंग बॉटल के थ्रू में क्या करने वाला हूं, इस पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सबसे पहले आप वाटर को ले थोड़ा सा, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में आपको वाटर उसमें लेना है। तो मैं वाटर ले रहा हूँ समथिंग 50 ml से 75 ml के बिटवीन आपको लेना है, या थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, ओके, मैंने यहाँ पर वाटर को लिया है। अब वाटर लेने का फिर आपको फर्स्टली क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करना है। ये मेरे पास है आयोडीन सॉल्यूशन और ये हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड ड्रॉपिंग बॉटल में। तो आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ क्वांटिटी में इसमें डिसॉल्व करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा हम होल्ड कर लेते हैं और कुछ क्वांटिटी हम आयोडीन सॉल्यूशन की लेने वाले हैं। ओके, तो आयोडीन सॉल्यूशन की मैं ड्रॉप्स इसमें डिजोल्व कर रहा हूं, जिससे इसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, ग्लास रोड लेना है, ग्लास रोड आपको अलग से ग्लास रोड लेना है, ग्लास रोड। तो सभी चीजें ये ग्लास रोड से इसको अच्छे से डिजोल्व आपको कर लेना है। तो हल्का सा आपको येलो कलर टाइप दिखाई दे रहा होगा, इसको जूम कर ले हल्का सा तो आपको येलो कलर दिखाई देगा, थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर डिजोल्व किया है, ओके, तो पूरा येलो कलर होगा। अब इसमें जैसे ही आप ड्रॉपिंग करके आपको डालना हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसमें ड्रॉपिंग बॉटल के यूज करते हुए इसमें डिजोल्व करना है। ठीक है।